पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब ही तो आई एम पॉसिबल होता है यारो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ सब्र और धैर्य का बेमिसाली से इम्तहान दिया, जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव, जिसे मिस्टर स्काई के नाम से भी जाना जाता है। हालात कैसे भी हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर जिद है आपके अंदर जीतने की तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सूर्या का सपना था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना, और आखिरकार इन्होंने अपना सपना साकार करके ही दम लिया। तो चलिए बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सूर्य कुमार का जन्म 14 सितंबर 1990 में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अशोक यादव है और अब भी इनका पूरा परिवार गाजीपुर के हथौड़ा गांव में रहता है। पिता अशोक यादव की मुंबई में नौकरी के कारण सूर्य कुमार जब 10 वर्ष के थे तो वह मुंबई चले गए और अपनी पूरी एजुकेशन मुंबई में ही कंप्लीट की। इनके पिता मुंबई में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर हैं और इनके दादा श्री विक्रमा सिंह यादव CRPF में इंस्पेक्टर रहे और 1991 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए गए। सूर्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से की और इसके बाद इन्होंने मुंबई में ही पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस विश्वविद्यालय से BCom किया। सूर्या का पढ़ाई में तो मन कम लगता था लेकिन खेल में पूरा ध्यान लगाते थे। शुरुआत में तो इन्हें क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों ही खेलना पसंद था, लेकिन पिता ने सूर्या से किसी एक खेल को सिलेक्ट करने को कहा, जिसके बाद काफ़ी सोच विचार कर सूर्या ने क्रिकेट को अपना करियर बनाया। सूर्या के सबसे पहले कोच इनके चाचा विनोद कुमार रहे। धीरे धीरे ये अपने खेल में सुधार करते गए और 2010 के सत्र में इन्होंने U22 स्तर पर 1000 से अधिक रन बनाए और MS चिदम्बरम ट्रॉफी जीती। इसके बाद 2011 के रणजी सीजन में उन्होंने उड़ीसा के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। 2012 के रणजी ट्रॉफी सत्र में सूर्या ने सर्वाधिक 754 रन बनाए थे। 7 जुलाई 2016 में सूर्य कुमार की शादी दिव्सा शेट्टी से हो गई, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर हैं। दिव्सा सूर्या की बैटिंग से इम्प्रेस थी तो वहीं सूर्या दिव्सा के डांस से इम्प्रेस थे। सूर्य कुमार और दिव्सा पहली बार 2012 सत्र में कॉलेज में मिले थे। देखते देखते ये मुलाकात प्रेम में बदल गई और आखिर में दोनों ने शादी कर ली। 2012 में सूर्या को IPL टीम मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन 2012 सत्र में सूर्य कुमार को खेलने का मौका नहीं मिला। 2012 से 2013 तक सूर्या मुंबई इंडियंस में थे, लेकिन 2014 में सूर्य कुमार को KKR ने खरीद लिया। 2015 सीजन के एक मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 गेंदों में 5 छक्के लगाकर कुल 98 रन बनाए और यहीं से शुरू होता है मिस्टर सूर्या का ताबड़तोड़ अंदाज। सूर्या लगातार अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते गए और आखिरकार सूर्य कुमार की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर 2018 में मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव को अच्छी रकम के साथ एक बार फिर से खरीद लिया। IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण सूर्या ने चयनकर्ताओं और विराट कोहली को मजबूर कर दिया अपना सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में कराने के लिए। हालांकि इसके लिए सूर्या को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। आज सूर्या 30 वर्ष के हो चुके हैं, बावजूद इसके उन्होंने अपना धैर्य और हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 21 फरवरी 2021 को वो पला ही गया जिसे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूर्या का सिलेक्शन इंडिया टीम में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में किया गया। सूर्या पहली बार टीम इंडिया के किसी भी फॉर्मेट में शामिल हुए। लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार के पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम में भी शामिल होने की पूरी संभावना थी। सचिन से लेकर तमाम क्रिकेटरों ने सूर्य कुमार के अभी तक टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं होने पर सवाल भी खड़े किए थे। सूर्या एक बार निराश जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा और अंत में अब 30 साल की उम्र में पहली बार टीम इंडिया में सेलेक्ट होकर सूर्या ने इतिहास रच दिया।
हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में सूर्या को मौका नहीं मिला और दूसरे मैच में मौका मिला तो उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई। तीसरे मैच में फिर आराम दिया गया, लेकिन जैसे ही चौथे मैच में सूर्या का सिलेक्शन हुआ उन्हें बैटिंग के लिए प्रमोट करके फर्स्ट डाउन भेजा गया और ग्राउंड पर आते ही सूर्या ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आते ही सूर्या ने 6 रनों से अपना खाता खोला और 57 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसमें शानदार 3 छक्के व 6 चौके शामिल थे। यह मैच भारत ने सूर्या की इस पारी के दम पर 8 रन से जीता। वहीं 5वें T20 में सूर्या ने 17 गेंदों में 32 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली और अपने इस प्रदर्शन से सूर्या ने लगभग अपनी जगह वर्ल्ड कप T20 में बना ली है। सूर्या कहते हैं, रोहित के शब्दों ने मुझे निराशा से बाहर आने में मदद की। रोहित ने मुझसे कहा कि तुम अभी मुंबई इंडियंस के लिए शानदार काम कर रहे हो और उसके बारे में सोचने के बजाय सिर्फ वही चीज़ करते रहो जो इस IPL में पहले दिन से करते आ रहे हो, और जब समय सही होगा तो मौका भी मिल जाएगा। यह आज हो या कल या होगा, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। फिर मुझे लगा कि इन बातों को सोचने के बजाय मुझे अपना काम करना चाहिए, यानी लगातार रन बनाना चाहिए। सूर्या अपने सिग्नेचर शॉट स्वीप शॉट के लिए जाने जाते हैं। वह तेज गेंदबाज के खिलाफ डीप स्क्वायर लेग पर छक्का लगाने का दम रखते हैं। सूर्य कुमार कॉमेडी फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिसके चलते उन्होंने 500 से अधिक बार फिल्म हेरा फेरी को देखा है। सूर्य कुमार अपना आइडल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर को मानते हैं। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि हमें ये या वो नहीं मिलता, कोई उसको पाने की ख्वाहिश तो पालो मेरे यारों। ये उसकी लगन, मेहनत और सब्र का फल है जो आज उसे लोग स्काई कहते हैं यारों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।